हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो सब्जी बनाने जा रही हूँ वो है इसकी, जिसे नेनुआ, घेवड़ा, तोरी, तुरई किसी भी नाम से जानते हैं, तो इसकी सब्जी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी सब्जी कैसे बनती है। सबसे पहले इन सब्जियों को मैं छील लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सभी 500 ग्राम तोरी को अच्छे से छील के और इसे वॉश कर लिया है। और अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे गोल पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं, मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। अब इन सभी को मैं इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी तोरियों को कट करके तैयार कर लिया हुआ है, बिल्कुल स्मॉल पीसेस में कट किया है। आप चाहे तो इसे गोल पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की ओर। यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। ये गर्म हो गई है, मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। तो मैं इसमें 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से गर्म हो जाने देती हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करना ज़रूरी है, वरना तेल का कच्चापन आपकी सब्जी में रह जाएगा। तो ये देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो मैं गैस को बंद करके 1 मिनट तक इसे ठंडा हो जाने दे रही हूँ, फिर इसे पकाती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब ये 1/4 टीस्पून जीरा है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर जीरा रोस्ट हो गया है। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये मैं डाल दे रही हूँ। ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। और प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कुक कर ले रही हूँ, हल्का सा चला कर और इसे कवर करके मीट से सॉफ्ट कुक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। ये मैंने 1/4 कप चना दाल लिया हुआ है, जिसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया है, उसके बाद अच्छे से वॉश करके और ले लिया है। अब ये मैं इसमें डालकर और इसे भी प्याज के साथ रोस्ट कर ले रही हूँ हल्का सा। बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, तो 1 से 2 मिनट तक प्याज के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ ये देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसे मैंने 2 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया हुआ है। और अब ये 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसे बारीक काट लिया हुआ था, इसे भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक भी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर इसे ढक कर और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ तो थोड़ा खड़े खड़े वाइट रहेंगे तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी। तो अब बारी है मसालों की। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून से कम ये गरम मसाला पाउडर। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो लाल मिर्च भी डाल दीजिए। तो 1/2 टीस्पून मैं यहाँ लाल मिर्च डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको तीखा पसंद ना हो तो आप लाल मिर्च का यूज़ मत करें, केवल हरी मिर्च ही डालें। अब इन सारे मसालों को टमाटर के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, जिससे मसालों का अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर मसालों को भी मैंने 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया हुआ है। और अब ये बारी है तोरी की, जिसे मैं इसमें डालकर और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा तोरी पानी छोड़ती है, तो ये अपने ही पानी में पक जाएगी। गैस का फ्लेम लो कर इसे अच्छे से कुक कर लेना है, जब तक कि तोरी गल ना जाए।
तो अब इसे ढककर तोरी को पकने तक पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो गया है, मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए कुक कर लिया है और ये देख सकते हैं तोरी गल गई है। इसे मैं हल्का सा मैश कर ले रही हूँ, अगर आपको खड़ा पसंद हो तो आप इसे खड़ा ही रहने दें, मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा मैश कर लेती हूँ जिससे मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तोरी को मैंने मैश कर लिया हुआ है, सब्जी अच्छे से कुक हो गई है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी डिलीशियस सी तोरी और चने दाल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे रोटी पूड़ी पराठे किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप इसे ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।